हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो भाई टीके में आप सभी का स्वागत है। और मैंने इससे पहली वीडियो में आपसे बात की थी कि हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके सामने छंद, लेकिन मैंने एक बात आपसे मिस कर दी कि मैं पहले विसर्ग संधि का जो है आपको संधि विच्छेद जो है वो बताना चाह रहा था। और मैं इसी प्रकार इसी बात को लेकर दिमाग में बैठा कर आया हूँ ताकि आपको मैं विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करना सिखा दूं, जो बहुत ही आसान है। और इसी के साथ साथ हम जो है गुण संधि और विसर्ग संधि का जो ओ हो जाता है विसर्ग का, उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं कि जिसमें बीच में ओ की मात्रा होगी तो समझ लो वो गुण संधि है या फिर वो विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन आप ये कैसे पहचान करोगे कि ये विसर्ग का ओ रखा है या फिर जो है ये गुण संधि का ओ रखा है, तो इसी बारे में बात करेंगे। और कुछ ऐसी ट्रिक भी याद करेंगे हम गुण संधि और विसर्ग संधि का ओ हो जाना, जो आपको आसानी से जो है याद हो जाएगी कि ये गुण संधि का ओ है या फिर विसर्ग का ओ रखा है, इस बारे में बताएंगे आपको हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं विसर्ग संधि का संधि विच्छेद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने संधि, हमारी विसर्ग संधि जो थी उसमें इन अक्षरों का जो है, यानी हमारा विसर्ग जो है इन हमारे वर्णों में बदला है, या तो ओ में परिवर्तन हुआ है विसर्ग का, या फिर रा में हुआ है, या फिर हमारा मूर्धा तालु वाले साम हुआ है, मूर्धा वाले साम हुआ है, या फिर जो दंत समय हुआ है। हमारे विसर्ग का जो परिवर्तन है ज्यादातर आपने देखा होगा इन्हीं वर्णों में हुआ है, इन्हीं व्यंजनों में हुआ है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे संधि विच्छेद में कि हमारी विसर्ग संधि है? हम ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर ये स्वर संधि है? तो इसी बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम। अगर हमारा पहला शब्द देखिए आप, निर्धन, निर्धन हमारा पहला शब्द है, और ये हमारा, हमें ये अनुमान नहीं है कि ये कौन सी संधि से बना हुआ शब्द है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है जब ये शब्द बना था, ठीक है? तो इसका हम एक ही कारण, मतलब एक ही तरह से पता लगा सकते हैं कि अगर हम र को जो है, जो हमारा र है उसको जो है हम हटा दें, उस रो को जो है हम हटा दें, जिस भी अक्षर के पास आपको आधा र यानी रेफ रूप वाला र दिखाई दे ऊपर, तो उसको हटा करके आप जहां उसका उच्चारण हो रहा है, यानी देखिए इसका उच्चारण यहां हो रहा है, अगर इसको हम ऐसे लिखें, इसका उच्चारण यहां हो रहा है नी के तुरंत बाद, ठीक है, इसका उच्चारण यहां हो रहा है, तो हमें यहीं से इसको हटाना है और तुरंत यहां विसर्ग लगा देना है और हमारा जो है संधि विच्छेद बन जाएगा। और संधि विच्छेद करने के बाद, विसर्ग की जब संधि विच्छेद करते हैं ना, तो दो अलग अलग शब्द निकल कर आते हैं और दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं, दोनों का एक अर्थ होता है, दोनों शब्दों का एक अर्थ होता है और दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी हम विसर्ग संधि का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ, विसर्ग से इस तरफ भी यानी हमारा प्रथम शब्द भी और हमारा द्वितीय शब्द भी, विसर्ग के बाद वाला शब्द भी, दोनों ही सार्थक शब्द होंगे, दोनों कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। अब आप यहां देख लीजिए, नी मैंने होता है नहीं, नी मैंने क्या होता है नहीं, या फिर अभाव, ये इसके दो अर्थ हैं नी के, नी मैंने क्या होता है अभाव या फिर नहीं। और धन मैंने क्या होता है, धन मैंने आपको पता ही है धनराशि होती है, पैसा होता है, धन दौलत होती है, तो नहीं है धन, निर्धन, जिसके पास धन नहीं होती है उसको हम निर्धन तो कहते हैं, गरीब व्यक्ति कहते हैं, गरीब के पास धन थोड़ा ही होता है, ठीक है, धन तो दौलत वालों के पास होता है, अमीर आदमी के पास होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। जैसे अगला देखिए आप, निजन, निर्जन। हमने कहा जहां भी र का उच्चारण हो रहा है उस र को हटा करके वहां विसर्ग लगा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहां भी र का जो उच्चारण है वो जो है वो नी के तुरंत बाद हो रहा है, यहां हो रहा है इसका उच्चारण यहां, तो इसको यहां से हटा दीजिए बस, और जो है इसके स्थान पर आपको केवल विसर्ग लगा देना है। और देखिए हो गया हमारा संधि विच्छेद, ठीक है। नी मैंने क्या होता है, नहीं या फिर अभाव, और जन मैंने क्या होता है, आदमी व्यक्ति। निर्जन जहां कोई व्यक्ति ना जाता हो, यहां जहां व्यक्ति कोई नहीं पाया जाता हो उसको कहते हैं निर्जन स्थान, निर्जन भूमि, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा अगला है पुनर्विवाह। हमने कहा जहां भी आपको र दिखाई दे, ठीक है, वहां जो है जहां र का उच्चारण आ रहा है वहां देंगे आप विसर्ग। अब यहां र का उच्चारण कहां आ रहा है, पुनर यहां आ रहा है, तो ये हो जाएगा पुनर्विवाह, ठीक है। दोनों का अर्थ हो गया, पुणे मैंने क्या होता है दोबारा, पुणे मैंने क्या होता है दोबारा, और विवाह मैंने शादी या ब्याह, यानी जिसका दोबारा विवाह होता है उसको हम पुनर्विवाह कहते हैं, ठीक है। देखो ये भी संधि विच्छेद आराम से हो गया। तो हमने ये र का दिखाया आपको। फिर देखिए आप अगले हमारे शब्द कौन कौन से हैं। हम पहले लेते हैं आपको सवाला, लेते सवाला, सवाला देखिए हमारे पास कौन सा है, यहां देखिए नी, नी छल, निश्चल, ठीक है। हमने कहा जहां पे आपको र दिखाई दे, तालु वाला स दिखाई दे, मूर्धा वाला स दिखाई दे और दंते वाला स दिखाई दे, इसका ध्यान रखना है जहां भी इनका उच्चारण हो रहा है बस उसको वहीं से हटा करके आपको विसर्ग लगा देना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहां से हटा दिया, अब देखें यहां क्या बन गया, यहां आ गया आपका ये, ठीक। अब हमारा ये कहता है कि जब विसर्ग के बाद, नियम कहता है हमारा जब विसर्ग के बाद च और छ हो या स्वम तालु वाला स हो तो वो विसर्ग जो है तालु वाले स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नी जमा नहीं छल, मैंने छल, जहां किसी के अंदर छल ना हो, कपट ना हो, बुरी भावना ना हो, निश्चल, ठीक है। ये हमारा स वाला हो गया, ठीक है। अब हमारा देखिए दंते स, आप ये देख लीजिए मूर्धा वाला सा, ये देखिए यहां नी, निष्कपट। हमने कहा जहां भी जिसका उच्चारण हो रहा है भले वो मूर्धा वाले स का हो रहा है, दंते स का हो रहा है या फिर र का हो रहा है, सब ये आधे होते हैं। जहां भी इनका उच्चारण हो रहा है उस स्थान को वहां से हटा दीजिए, तो देखिए आपका संधि विच्छेद आसानी से हो, इसको यहां से हटा दीजिए और ये हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। निष्कपट यानी कि निजमा कपट, यहां जमा का चिन्ह भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा दीजिए और अच्छा लगेगा। नी जमा कपट, निष्कपट यानी जिसके अंदर कपट ना हो, निष्कपट वो निष्कपट होता है। फिर देखिए आप यहां निष्प्राण, निष्प्राण, ठीक है। यहां इसको हटा दे यहां से तो ये हो जाएगा हमारा नी और ये हमारा हो जाएगा प्राण, ठीक है। नी मैं नहीं, प्राण, प्राण जिसमें प्राण ना हो, निष्प्राण जिसमें जान ना हो, जो सांस ना ले रहा हो, निष्प्राण, ठीक है। ये हमारा हो गया उसका दंते वाला, सॉरी मूर्धा वाले स का और हमारे तालु वाले स का। फिर देखिए आप दंते स का, इसमें हमारे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको, जैसे हमारा शब्द है निस्तेज, निस्तेज बहुत ही आसान है विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करना, कोई भी कहीं से परेशानी आए बिल्कुल नहीं आने वाली। हमने कहा यहां इसका उच्चारण हो रहा है और इसको यहां से हटा दीजिए तो ये हमारा बन गया
तेज जिसमें तेज ना हो, जिसके मस्तक पर तेज ना हो, निस्तेज, नी विसर्ग जमा तेज। ठीक है, ये आसानी से आप कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देख रहे थे र वाला हमारा आ गया आशीर्वाद। ये हमारी वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, ये हमारी वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछा जाता है। हमने कहा जहां भी र का उच्चारण हो रहा है, अब र का उच्चारण हो रहा है यहाँ, आप देख लीजिए र का उच्चारण जो है यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए और दोनों शब्द जो है हमारे अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, दोनों ही सार्थक शब्द हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी गुण संधि में और विसर्ग का ओ हो जाना। हमारी गुण संधि में क्या था, अगर आपने देखा गुण स्वर संधि, हम गुण स्वर संधि की बात कर रहे हैं। यदि अ और आ का मेल ठीक किससे हो, छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से, इन दोनों से मेल हो तो हमारा क्या बनता था, ओ। आपने भी जब हमने गुण स्वर संधि पढ़ाई थी आपके भी याद होगा, जब ए और आ का मेल छोटी या बड़ी ई से हो तो ए आता था, और जब ए और आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता था तो ओ बन जाता था, और जब अ और आ का मेल री से होता था तो वो अर बन जाता था। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को आप, यहां ध्यान दीजिए। हमने कहा कि जब अ और आ ऊ का मेल जो है, जब प्रथम शब्द में हमारे अ और आ हो और द्वितीय शब्द में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, दोनों का मेल हमेशा ओ होता था। ठीक है, यानी कि अगर हम ध्यान दें तो हमें कुछ शब्द ऐसे दिखाई देंगे जिनमें हमें बीच में ओ की मात्रा दिखाई देती है, और हमने शॉर्ट ट्रिक में याद कर रखा है यदि किसी भी शब्द के बीचों बीच आपको ओ की मात्रा दिखाई दे तो समझ लीजिए वह गुण संधि है। क्यों भाई, हमारे यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है। देखिए मनोहर, ठीक है, तपोबल, मनोबल, तपोभूमि, ग्रामोद्योग है, मनोहर, चंद्रोदय, इनमें भी तो ऐसा ही रहा है, लेकिन कैसे पहचान करेंगे, इन दोनों को पहचान करने का नियम मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बहुत आसान है, कैसे आप पता लगाओगे कि ये गुण स्वर संधि है या फिर विसर्ग संधि है। ठीक है, देखिए पहला शब्द हम लेते हैं चंद्रोदय। चंद्रोदय यानी चंद्रोदय मतलब हो गया चंद्र का उदय, यानी कि चांद का निकलना। ठीक है, तो ये हमारा एक शब्द आ गया। हम देख रहे हैं कि भाई इसमें हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि है या फिर विसर्ग संधि है। क्यों, हमें पीछे बीच यहाँ क्या दिखाई दी, ओ की मात्रा। यहाँ हमें पीछे बीच क्या दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा, ये दिखाई दे रही है ओ की मात्रा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे एक शब्द है तपोबल, तपोबल, यहां भी तो तपोबल, सॉरी, यहां भी हमें देख रहे हैं आप जो है बीचों बीच जो है वो ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। ये देखिए यहां भी हमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। ये कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी तो गुण स्वर संधि है और कौन सी विसर्ग संधि है, बस इसकी आपको केवल एक ही तरीका याद रखना है। हमने कहा था विसर्ग संधि में जो है, जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं विसर्ग संधि का, तो पहले वाला शब्द यानी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों निकल कर आएंगे तो उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा, यानी दोनों शब्द जो है सार्थक होंगे। ठीक है, दोनों शब्द क्या होंगे, हमारे सार्थक होंगे, इसका ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो देख ले पहले चंद्रोदय में देख लेते हैं, चंद्रोदय में देख लेते हैं। हमने ये ओ की मात्रा यहां से हटा दी, ठीक, तो शब्द हमारा क्या बन गया, हमारा शब्द बन गया चंद्र जमा द, ये तो बनेगा।
भाई हमने ओ की मात्रा हटा दी तो चंद्र जमा द बन गया। अब आप देखें चंद्र मैंने तो होता है चांद और द मैंने तो कुछ भी नहीं होता, दो तो एक निरर्थक शब्द है, द का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए समझ लीजिए जिसका कोई अर्थ ना हो ना इधर वाले का ना उधर वाले का, अगर एक तरफ का आपको अर्थ सार्थक दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ का दिखाई नहीं दे रहा है, समझ लीजिए वो गुण स्वर संधि वाला ओ है। कौन सा ओ है? वो गुण स्वर संधि वाला। फिर आप देखें यहां तपोबल में देख लीजिए आप, तपोबल तपोबल हमने इस ओ की मात्रा को हटाया, हमें क्या शब्द मिला? इधर देखिए तप है जमा बल। आप देख रहे तप का अर्थ, तप का भी एक निश्चित अर्थ है और बल का भी एक निश्चित अर्थ है, यानी दोनों शब्द हमें संधि विच्छेद के बाद दोनों ही सार्थक शब्द दिखाई दिए। तो ये ओ किसका है? ये विसर्ग संधि वाला ओ है, बस ये आपको याद रखना है। तो 100 ट्रिक के भरोसे ना रहे, आप ये दिमाग में ना डालें कि जिसके बीचों बीच आपको ओ की मात्रा दिखाई दे, समझ लीजिए गुण स्वर संधि है। भाई यहाँ गुण संधि कहाँ से आ गई? देखिए भाई इसके पीछे भी तो ओ है, तो हम तुलना करना देख लेंगे दोनों में, आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सी तो हमारी गुण स्वर संधि है और कौन सी हमारी विसर्ग संधि है। आप विसर्ग संधि में एक ही बात ध्यान रखनी है कि संधि विच्छेद के बाद दोनों शब्द जो निकल कर आएंगे, विसर्ग से पहले वाला और विसर्ग के बाद वाला, दोनों का कोई ना कोई निश्चित अर्थ होगा, इसका आप ध्यान रखें। और जब हम करेंगे गुणस्वर संधि वाले का संधि विच्छेद, तो आप देखिए अगर एक का अर्थ है तो दूसरे का नहीं मिलने वाला हमें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे हमारे और शब्द हैं जिनको हम ले सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं कि देखिए इनमें जो ओ है वो ओ किसका है, गुण स्वर संधि का है या फिर वो विसर्ग संधि का है। ग्रामो उदय उद्योग ले लीजिए, उद्योग ठीक, ग्रामोद्योग, ये हमें ओ की मात्रा यहां दिखाई दी बीचों बीच शब्द के, ओ की मात्रा हमें दिखाई दी, ठीक है। हम देख रहे हैं, देखे यहां हमने इसको तोड़ दिया अलग अलग, यहां जमा का चिन्ह लगा दिया और यहां क्या मिला हमें? दयोग, ये शब्द मिला। अब इसका अर्थ तो है ग्राम मैंने गांव होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है निश्चित, तो समझ लीजिए ये कौन सी संधि है? ये गुण स्वर संधि है। क्या है? ये गुण स्वर संधि है। अगला ले लीजिए, पता लग जाएगा आपको बिल्कुल। अब मान लिए हमें देखिए मनोहर में हमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, ये बीच बीच यहाँ हमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ इसको हटाओ, मन है जमा हर, मन का भी एक निश्चित अर्थ है और हर का भी एक निश्चित अर्थ है, दोनों शब्दों का अर्थ है विसर्ग से पहले वाले का भी और विसर्ग से बाद वाले का भी। तो समझ ले यहाँ कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि का ओ है और ये गुण स्वर संधि वाला ओ है। तो इसको आप आसानी से याद कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो मैंने इसलिए वीडियो लेकर आपके सामने में कि आपको मैं विसर्ग संधि का जो है संधि विच्छेद करना बता दूं, और ये भी बता दूं कि जो ओ है गुण स्वर संधि वाला और विसर्ग संधि वाला, आप कैसे पहचान करोगे कि कौन सी संधि है, ठीक है। पसंद आता है अमुक शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए, इसका या ग्रामोद्योग आपने करा दिए तो कर लिया था आपने, उसका ये कर दिया, आपको पहचान भी करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।